आपका ही आदर, आपके सहयोग के बगैर नेपाल क्रिकेट बहुत आगे नहीं जा सकती, मैं बोलता हूँ। बीसीसीआई का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? अभी हाल ही में आपकी बीसीसीआई सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई थी और आपकी टीम आ भी रही है यहाँ पर गुजरात पे जाके, वो फ्रेंडशिप कप भी खेलने वाले हैं। ये जो एक दोस्ती का हाथ बढ़ा है ना, आपको लगता है कि ये नेपाल क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम था और बीसीसीआई उसके लिए आगे आई है? हाँ, ये तो नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। अभी इस बारे में फाइनल बात तो कुछ दिन में आपको बताऊंगा, लेकिन जब मेरी मुलाकात बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एसीसी के एजीएम में बात हुई थी और मेरे को उन्होंने यहाँ बुलाया, दिल्ली में उन्होंने बुला के एक मीटिंग की और एक कुछ बातों पर अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है, उन्होंने कुछ एश्योर किया है। और उससे पहले क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट खुद क्या चाहती है कि नेपाल क्रिकेट आगे बढ़े, और फॉरेन मिनिस्टर जब एस जयशंकर नेपाल गए थे, उन्होंने खुद मेरे को बुलाया, मेरे कैप्टन को बुलाया और नेपाल के हम ऑफिशियल्स और प्लेयर्स, कुछ प्लेयर जाके उनसे बात किया, डायरेक्टली बात किया। उन्होंने कहा नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हो, आप उसको एज ए प्रपोज करो करके, और हमने वो प्रपोज बीसीसीआई में भेजा। तो क्या प्रपोजल में था सर? नहीं, मैं इसमें दो था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक लॉन्ग टर्म का क्या हुआ कि ग्राउंड्स और लंबे समय तक नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और फैसिलिटीज इंडिया में जो सारी ग्राउंड फैसिलिटीज है, कोचिंग या एवरीथिंग, यहाँ टीम की टीम मिलना जरूरी, अच्छी टीम के साथ खेलने के लिए हम भूखे, क्योंकि अच्छी टीम एशिया में कहाँ मिलेगी हमें विदाउट वीज़ा, हम यहाँ आ पाएंगे। और एसोसिएट कंट्री तो हम बुलाते रहते हैं, लेकिन नेपाल से थोड़ा ऊपर की टीम के साथ हम खेल पाएंगे, स्टेट लेवल की हो, इंडिया लेवल की हो, इस टीम से हम खेलेंगे तो डेफिनेटली नेपाल क्रिकेट आगे बढ़ेगा। मैं शुरू में आपको बताया टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने के लिए एक आधार स्तंभ, आधारशिला वहीं से शुरू होगा, इसमें बात हुई है और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एकदम नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी ओर से प्रपोज किया है और बीसीसीआई ने खुद मेरे को बुलाया और हमने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो क्या हुआ कि वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है, उससे पहले वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे। और आपने शुरू में बताया गुजरात और वडोदरा के साथ मुझे लगता मार्च के एंड में, तो कह सकते हैं कि आप जो आपका प्रिपरेटरी कैंप होगा वर्ल्ड कप के लिए वो आपका इंडिया में होगा, या यहाँ से शुरू होगा। आपको लगता है कि यहाँ पर जो जो बड़े नाम हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपके अगर टीम के साथ खेलेंगे तो उनको उन खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलेगा? ये स्किल में अभी भी तो बहुत कमियां है, कहाँ लगने का नेपाल टीम लास्ट टाइम अच्छा कर रही, इसका मतलब ये है कि हर एक खिलाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ खामियां है, उसको सुधारने का मौका मिलेगा। अच्छे कोचेज के साथ, अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे, अगेंस्ट खेलेंगे तो उससे मुझे लगता है उनका स्किल। इंडिया और नेपाल का मैच हमें याद है, वहाँ पर आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बड़ा एक वक्त पे लगा कोलंबो, यस, पहली गली। तो क्या चल रहा था मन में? आपको लगा था कि ऐसी टीम इंडिया के सामने आपकी टीम खेल रही है, तो एज एडमिनिस्ट्रेटर क्या आप मुझे तो क्या लगा, मैं तो सोच रहा था कि एक हिस्ट्री बन जाए और इंडिया को हरा दे, इसलिए मैं तो दुआ कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन लड़कों ने जितना इतनी बड़ी टीम के साथ अच्छा खेला, इसकी वजह से ऑल ओवर नेपाल में और नेपाल के बाहर रहने वाले जो क्रिकेट के लवर है नेपाल, उन सभी ने बताया नेपाल क्रिकेट आगे जाएगी करके, एक उससे एक मुझे लगता है नई दिशा मिली है। इंडिया के साथ जो मैच हुआ है उससे नेपाल क्रिकेट नई दिशा मिली। चलिए, आप उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे नेपाल इंडिया को बीट करे, लेकिन यहाँ इंडिया ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है बीसीसीआई ने, और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये टर्न अराउंड हो सकता है नेपाल क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमने देखा है अफगानिस्तान की टीम को भी इसी तरह बीसीसीआई ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उनको यहाँ पर होम ग्राउंड्स दिए, उनको सारी फैसिलिटीज दी, वैसा ही आप भी उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद उससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हक ज़्यादा बनता है। लास्ट टाइम आईसीसी एजीएम में मैं बीसीसीआई सेक्रेटरी साहब से मिला था, जय भाई से मिला था, तो मैंने यही कहा था कि हमारा हक बनता है, इसलिए आप जो जो फैसिलिटी नेपाल क्रिकेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ग्राउंड फैसिलिटीज और यहाँ टीम आके खेलने का हर एक लेवल का, ये नहीं कि नेपाल टीम, नेपाल ए वुमेन्स अंडर 19 सभी टीम जो हम थोड़े कॉस्ट पर यहाँ आ सकते हैं और इजी एक्सेस हमारा है और इसमें आपको सपोर्ट होगा और हम नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने, आपका ही आदर, आपके सहयोग के बगैर नेपाल क्रिकेट बहुत आगे नहीं जा सकती, मैं बोलता हूँ। तभी इसमें मेरे को अर्ज नहीं है कि कोई मैं बोलता रहता हूँ, बीसीसीआई का सपोर्ट से ही नेपाल क्रिकेट अगला टेस्ट नेशन बनेगा।
तो चलिए ये थे नेपाल क्रिकेट के प्रेसिडेंट, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर नेपाल को टेस्ट क्रिकेट खेलना है, आईसीसी में मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप पानी है, तो बीसीसीआई के साथ ही ये काम हो सकता है। सपने देख रही है नेपाल की क्रिकेट, और पूरा होने के लिए उनको बीसीसीआई की मदद की उम्मीद है।